कदम्ब। हाँ बोलो। नचिकेता भैया ही अच्छे रहे, यूएसए चले गए। अच्छा हुआ, पीछा तो छूटा दोनों का बुढ़ा बुढ़ी से। मगर मम्मी डैडी घर की देखभाल तो रखते हैं, इतना वफादार तो कोई नौकर भी नहीं हो सकता, फिर उसकी तनख्वाह अलग से। अरे फिर मम्मी डैडी पर खर्च ही कितना है, फिर डैडी का पेंशन बहुत है उन दोनों के लिए। कदम्ब, हमें उनके पेंशन की जरूरत नहीं है। घर में पार्टी करो तब अलग मुश्किल, बाहर पार्टी क्लब से लौटो तो मम्मी का अलग मुंह सूजा रहता है। घर में मीडी या शॉर्ट स्कर्ट पहनो तो नागवार गुजरता है दोनों को, या घर है या कैद। ओहो, फिर क्या करें? अरे करे क्या, वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दो। मगर बेटे का कर्तव्य? अच्छा, जैसा इन्होंने माँ बाप का कर्तव्य तुम्हें 7 साल की उम्र में हॉस्टल भेजकर निभाया था, तुम भी निभा दो। ठीक है जूली, कल बात करता हूँ। माँ बाप का कर्तव्य तुम्हें 7 साल की उम्र में हॉस्टल भेजकर निभाया था, तुम भी निभा दो। हॉस्टल भेजकर निभाया था, तुम भी निभा दो। माँ बाप का कर्तव्य तुम्हें 7 साल की उम्र में हॉस्टल भेजकर निभाया था, तुम भी निभा दो। हॉस्टल भेजकर निभाया था, तुम भी निभा दो। नंबर 7 में पहुंचा दो। घोर अभावों के जीवन में सौ हीरे जड़ जाएंगे, तुम चाहो तो व्रत आश्रम में ताले पड़ जाएंगे। किस घर की सासू माता को अपनी माता जानो तुम, और ससुर को आदर देकर पिता तुल्य ही मानो तुम। ये सुख के सागर हैं इनकी सच्चाई पहचानो तुम, ये सुख के सागर हैं इनकी सच्चाई पहचानो तुम। तो आंगन में खुशियों वाले, तो आंगन में खुशियों वाले 100 झंडे गड़ जाएंगे, तुम चाहो तो व्रत आश्रम में ताले पड़ जाएंगे। याद रहे अपने पुरखों का जो गरमान घटाओगे, और बुढ़ापे में तुम उनके दिल को अगर दुखाओगे, और बुढ़ापे में तुम उनके दिल को अगर दुखाओगे। जो पुरखों को दिया आपने बस उतना ही पाओगे,
जो पुरखों को दिया आपने बस उतना ही पाओगे। बच्चे बिगड़ गए तो सुख के, बच्चे बिगड़ गए तो सुख के, सब पत्ते झड़ जाएंगे। तुम चाहो तो व्रत आश्रम में ताले पड़ जाएंगे, तुम चाहो तो व्रत आश्रम में ताले पड़ जाएंगे।